हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो GTU बैचलर IT इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको मैड मतलब कि मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, तो वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कंपेरिजन्स थे उनके आंसर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली वॉच करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जियो कोडिंग वर्सेस रिवर्स जियो कोडिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन में होगा ही होगा और कंपैरिजन में नहीं होगा तो इसके डेफिनेशन एंड जो शॉर्ट नोट होती है 3-4 मार्क्स में उसमें आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसको कैसे याद रखना है, तो रेड एंड बोल्ड करके जितने भी मैंने कीवर्ड्स लिए उन पे पहले फोकस करो और उनके आगे जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर है उसको मिलाकर एक सॉन्ग बना दो, जैसे कि बी की या सी स्क्वायर। तो बी पे से बेस के रिलेटेड पॉइंट को, के पे से नोन एज, आई पे से इंट्रोड्यूस के रिलेटेड पॉइंट को, ए पे से एक्यूरेट के पॉइंट को, सी स्क्वायर मतलब कि सी पे से दो सेंटेंसेस, एक कॉस्ट के रिलेटेड, दूसरा कन्वर्ट के रिलेटेड पॉइंट को। अब जियो कोडिंग में जो पॉइंट पॉजिटिव होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो बस इसी ट्रिक से आपको सारे कंपेरिजन याद रखने हैं। एक्टिविटी वर्सेस फ्रैगमेंट ये इम्पॉर्टेंट है और ये कंपैरिजन में नहीं होगा तो एक्टिविटी एंड फ्रैगमेंट की लाइफ साइकिल भी आपको आ सकती है और इसके अलावा ये डेफिनेशन में भी आ सकता है, तो देख लेना। वन बाय वन मैं आपको सभी एक्सप्लेन करने नहीं रहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर एक्टिविटी वर्सेस सर्विस ये भी आप इसी ट्रिक से देख लेना। अब ये जो लास्ट कंपैरिजन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक साथ 4 ही कंपैरिजन आ सकते हैं और इस क्वेश्चन को ट्रिकी भी कर सकते हैं। थ्रेड वर्सेस इंटेंस सर्विस वर्सेस सर्विस भी ले सकते हैं या फिर एनसिस टास्क वर्सेस सर्विस वर्सेस थ्रेड भी ले सकते हैं, मतलब कि इसमें से ट्विस्ट करने के परसेंटेज ज़्यादा है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, तो पैरामीटर्स मैंने ले लिए, वहीं आपके कीवर्ड्स है। तो आपको कैसे याद रखना है, RULT² करके याद रखना है। R रन ऑन थ्रेड्स के रिलेटेड पॉइंट को, U यूज के रिलेटेड, L पे से लिमिटेशंस एंड T² मतलब कि T पे से दो सेंटेंसेस, ट्रिगर एंड ट्रिगर फ्रॉम थ्रेड के रिलेटेड पॉइंट को इंडिकेट करता है। सो स्टूडेंट्स ये सारे कंपैरिजन इंपॉर्टेंट ही है और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना तो वो भी इजीली इस सब्जेक्ट में पास हो जाए और उसको भी एक नई ट्रिक पता चले। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया है एडवाइस दी हो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।